ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृता नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत् ततो जया मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं सेवया अतीवोत्तमा श्लोके श्लोके नष्टिके नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या 34, 35, 36। पांचालान पुरसेनान सयामुनान ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्रम् मत्स्यान सारस्वतानथ धन्वामतिक्रमा सोवीराभिरयो परान् आनर्तान् भार्गभोगाच्छ्रान् आनर्तान् भार्गवोपगच्छान् आनर्त बाहो मनाग् विभो गुरुजांगल पांचालान सूरसेनान सजामुनान सूरसेनान ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्रम् ब्रह्मवर्तम् कुरुक्षेत्रम् मत्स्यान सारस्वतानथ मरुद्धन्नामतिक्रम्य सोवीराभिरयो परान् अन्त बाहो मनाग् विभो हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो कुरु जंगल पांचालाम कुरु जंगल पांचालाम सुरसेनान सयामुनान सुरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतानथ मत्स्यान सारस्वतानथ
मरुधन्मति क्रम्य सौवीर वीरयो परान नर्तान भार्गवो भार्गवो पागच्छान् अन्तवाहो मनाग् विभुः हरे कृष्ण गुरु जांगाल पांचालान सूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथा मरुधन्वम् अतिक्रम्य सौवीर आभिरयो परान् अनार्थान् भार्गव उपगात श्रान्तवाह मानक विभु हरे कृष्ण कुरु जंगल पांचालान ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्रम् मत्स्यान् सर्वसवतनात् मरुधन मति कर्म्य सौवीराभिरयो परान् अनार्तान् भार्गवो अगच्छान् नातवाहो मन ग विभु अन्तवाहो मनो मानक विभु हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़िए कुरु जंगला पांचालान सूरसेनान सयानुमान ब्रह्मावर्ते कुरुक्षेत्रम मत्स्यान् सारस्वतनात् सौवीराभिरयो परान् आनन्त्रन भार्गोपच्छान् अनर्तान् भार्गो गच्छान् अन्तबाहो मना विभो हरे कृष्ण प्रभु जी कौन बाकी है और
विभा माता जी छत के ऊपर चली गई है पढ़ने के लिए, डिस्टर्ब ना हो इसीलिए। जंग पढ़िए। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। शौनक, तब भगवान कुकुरु जांगल पांचाल शूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्या सारस्वता मरुप्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौरवीर तथा अभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सबके पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। हरे कृष्ण। तात्पर्य, भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए वे उस समय भिन्न नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो दिशा दी गई है उससे यह सूचित होता है कि वे दिल्ली पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा स्थान द्वारका पहुंचे। हमें उन दोनों से आज तक इन प्रांतों के समानार्थी प्रांतों के नाम ढूंढने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का मरुस्थल तथा मध्य प्रदेश जैसे जल के अभाव वाले प्रांत विद्यमान थे। मृदा विशेषज्ञों का यह सिद्धांत कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुए भगवान भागवत के कथन से पुष्ट नहीं होता। हम इस विषय को भूगर्भ विज्ञानियों द्वारा खोजे जाने के लिए छोड़े देते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील ब्रह्मांड में भूगर्भी विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। हमें प्रसन्नता है कि भगवान अब पूर्व प्रांत में अपने निजी प्रांत द्वारका धाम में पहुंच गए हैं। कुरुक्षेत्र वैदिक काल से विद्यमान है, अतः जब व्याख्याकार कुरुक्षेत्र के अस्तित्व को नकारते हैं तो ये उनकी निरी मूर्खता प्रतीत होती है। हरे कृष्णा। मेरी तरफ से कुछ साउंड जा रहे हैं माता जी? नहीं, कोई फालतू साउंड तो नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा। ठीक है। नहीं प्रभु। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद पर दशम अध्याय श्लोक संख्या 34-35। तो उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सर्वप्रथम कौन बोलेंगे? हमारे प्राण मोहन प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल प्रभु जी आप बताए थे श्लोक नंबर 33 में ए, जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे तो उन्होंने अपनी चतुरंगिनी सेना जो है उनके साथ लगा दिया था और वे हस्तिनापुर के लोग भी उनके साथ थे और लोग भी उनके साथ थे और कुछ है प्रभु जी? अच्छा, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बोलिए। गीता माता जी, विभा माता जी, ममता माता जी, नंद किशोर माता जी। एक सेकंड, मैं थोड़ा बहुत आवाज आ रहा है, मैं बोल के आ रहा हूँ, आप लोग बोलते रहिए, हम यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। हरे कृष्ण। ममता माता जी बोलिए। हरे माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरे तरफ से सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम करती हूँ। माता जी, कल तो ऐसा मैं कक्षा नहीं की थी, लेकिन मैं YouTube देखी थी तो याद है, उसमें से कुछ बता रही हूँ। भावार्थ ये है कि जब श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर से द्वारका को चलने को तैयार हुए तो युधिष्ठिर महाराज ने
चतुरंगी सेना का व्यवस्था किया। चतुरंगी सेना मतलब अर्थात मतलब कि हाथी घोड़ा रथ और पैदल सेना। हालांकि भगवान होते हुए उनको किसी चीज का डर नहीं था, कोई उनके भय नहीं था, फिर भी राजा होते हुए राजा ने अपने आज्ञा का पालन करते हुए ये सोचकर कि रास्ते में उनको किसी प्रकार का हानि ना हो, किसी तरह का भय ना हो, दिक्कत ना हो, और मैं एक राजा हूँ और मेरे ये बांधव हैं, भाई समान हैं, तो उनकी रक्षा हेतु उन्होंने ये व्यवस्था किया। महाराज युधिष्ठिर के कोई शत्रु नहीं है, वो अजात शत्रु है। और प्रभु जी ने तात्पर्य बताया था कि दो शत्रु होते हैं, एक जात शत्रु होते हैं और एक अजात शत्रु होते हैं। अजात शत्रु मतलब कि जिसका कोई दुश्मन ना हो, कोई शत्रु ना हो, लेकिन जात शत्रु का मतलब ये होता है, अभिप्राय ये है कि आदमी एक ही ऑक्यूपेशन में आपसी कंपटीशन जो होता है, प्रतिस्पर्धा जो होता है कि हम प्रमोशन करके हम आगे जाएं या प्रमोशन मेरा हो जाए, मैं ऊंचे पद पर जाऊं, तो ये जो प्रतिस्पर्धा होता है, जो कंपटीशन, आपसी कंपटीशन जो होता है, तो इसको ये भी एक आपस में एक तरह का ये मतलब ईर्ष्या है, जिसको कि हम नाम देते हैं जात शत्रु। इसका नाम हम लोग देते हैं जात शत्रु। तो इस तरह से प्रभु जी बताया कि दो तरह के शत्रु होते हैं, और भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी हैं, उनको तो किसी चीज का भय हो ही नहीं सकता, फिर भी उन्होंने भगवान युधिष्ठिर द्वारा दिए गए इन हेल्प को, मदद को वे स्वीकार करते हैं। तो पॉइंट पहला है कि पहले तो वो राजा हैं युधिष्ठिर महाराज, तो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरी है कि वो स्नेह से, अगर स्नेह से हमको कोई गिफ्ट देता है, उपहार स्वरूप कुछ देता है, तो हम उसे प्रेम भाव से सह स्वीकार करते हैं ये। और एक है कि मतलब आपकी मान प्रतिष्ठा को रखने के लिए, आप हमसे बड़े हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, आपको इज्जत देते हैं, तो इस भावना को हम कद्र करते हैं। तो इस भावना को कद्र करते हुए वे इस चतुरंगी सेना को स्वीकार करते हैं। माता जी नहीं बता पाएंगे जी। और कौन माता जी बोलते जाइए आप लोग। माता जी आपसे बात करते हैं हम, गीता माता जी। जी जी, आप इतने अच्छी तरह से संवाद कर लेते हैं, जबकि हम लोगों के मन में बहुत सारी बातें रहती है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उस चीज को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मन में है कि इतना इसे बोलना है, अभी इसे याद आ रहा है कि अभी ये चीज और बोलते, ये चीज और बोलते, लेकिन एट ए टाइम उस चीज को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर इस चीज को हम एक्सप्रेस कर दें, तो जिस तरह से आप बोलती हैं, तो आप बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर लगता है, मनोहर लगता है। तो किस तरह से, क्या प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस करते हैं इस चीज के बोलने के लिए, या क्या करते हैं आप, थोड़ा सा अगर हम लोगों को बता दें, तो हो सकते हैं समय निकाल कर हम लोग इस तरह का प्रैक्टिस करें, एक्सप्रेस करें अपनी मन की बातों को, भावों को। समय देना पड़ता है, बहुत स्टडी करना पड़ता है, श्रवण भी करती हूँ सब जगह से, जहां से मिलता है, बुक्स तो मेरे पास बहुत है और मैं उसका स्टडी करती हूँ, और नहीं आता तो प्रभु जी से पूछ लेती हूँ, माता जी से पूछ लेती हूँ इसका अर्थ क्या है। तो वो दो चार बार उसी को रीड करेंगे ना, उसी को एक बार रीड करने से नहीं आएगा, 10 बार रीड करना है, ताकि 10 बार आपको उसमें से अलग अलग अर्थ निकलेगा, तब जाके अपने दिमाग में फिट होगा। वर्ड पावर चाहिए बात करने के लिए ना, वर्ड्स चाहिए, जैसे हिंदी का हो चाहे संस्कृत का हो, वर्ड पावर समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, क्योंकि वर्ड पावर तो हम समझ रहे हैं कि एक वर्ड के अनेक वर्ड होते हैं, मीनिंग होते हैं, तो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। बात यहाँ है कि हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जैसे बोलना है और बोल नहीं पा रहे हैं। कमी है। हम भी बहुत डर डर के बोलते हैं, हमारा भी निकलता नहीं है, जल्दी जल्दी बोल लेती हूँ मैं, प्रभु जी डांटते भी उसके लिए।
वो तो खैर उनका स्वीकार है, उनका डांटना काम है, हम लोग को स्वीकार करना है क्योंकि हम लोग को सुधारना है, सुधार लाना है। नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे बोलते हैं। हरे कृष्ण, कृष्ण की कृपा। कौन बोले, कौन बाकी है बोले? कोई नहीं बोला अभी, ए माता जी भर बोली है अभी। कौन माता जी? मैं बात कर रही थी माता जी, सीमा माता जी, ममता माता जी, ममता माता जी, सॉरी ममता माता जी, सॉरी। चलिए तो अभी हमारे विभा माता जी आ गए, विभा माता जी बोलेंगे कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। अनम्यूट, आवाज नहीं है। माता जी का हेडफोन को गोबर्डिंग में फेंकना होगा तब आवाज। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, अभी आवाज आ रही है। तो ममता माता जी ने 31 श्लोक के बारे में बता दिया कि भगवान जा रहे हैं तो कैसे वहां की नारियां बधाई दे रही है, युधिष्ठिर महाराज कैसे तैयार करके चतुरांगी सेनाओं को भेजे हैं। हालांकि युधिष्ठिर महाराज जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, उन्हें सब पता है कि भगवान जो है पुतना का वध किए, बकासुर अघासुर इतने बड़े बड़े असुरों को मारे हैं, फिर भी सामाजिक ये बोले या अपने बड़े भाई होने के नाते इतनी सुंदर व्यवस्था करके भगवान को उन्होंने जाते समय इतना सुरक्षा दे करके भेजा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अजातशत्रु के बारे में तो माता जी ने चर्चा की, तो हमको यही है कि माया के इसमें ज्यादा नहीं फंसना है, भगवान की भक्ति करना है। जैसे कि जड़ भरत जी महाराज का हम लोगों ने उदाहरण सुना था, जड़ भरत जी महाराज इतने सुंदर तपस्या करते थे और मृग में आसक्ति हो गए तो उनको मृग का जोनी मिला। तो इस प्रकार से हमें उतनी ज्यादा आसक्ति नहीं होना, नहीं तो फिर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना है, बार बार जन्म बार बार मृत्यु ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ये नहीं सोचना है कि हम स्त्री हैं, भक्ति मार्ग में जो भी आ जाता है वो भगवान का भक्त होता है। तो इस संसार में भगवान कृष्ण को छोड़कर के कोई पुरुष नहीं है, भगवान कृष्ण ही सिर्फ पुरुष रूप में है, बाकी सब गोपियां हैं, आत्मा है। तो हमें इस भाव से भगवान की नित्य आराधना करना चाहिए जैसे कि गोपियां करती है। जैसे कि उदाहरण से प्रभु जी ने बताया कि मीराबाई गई थी मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलती। तो मीराबाई ने बोली कि मैं तो पहली बार जाने कि यहाँ पर कोई और रहता है स्त्री भी, क्योंकि भगवान कृष्ण के सिवाय और कोई यहाँ पर पुरुष है नहीं, सब तो आत्मा है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने 3 प्रकार से हरि नाम के बारे में बताया। किसी ने पूछा कि प्रभु हरि नाम क्या है सबसे बड़ा, तो बोले कि सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो जो हरि नाम लेता है। फिर बोला दूसरे बार पूछा गया तो बोले कि प्रभु इस बार हरि भक्त कौन बड़ा है, तो बोले कि जो निरंतर हरि नाम लेता है। फिर तीसरा बार में बताया कि जिसे देख करके दूसरे को भगवान को याद आ जाए वो भक्त है। तो 3 प्रकार से भक्तों का वर्णन महाप्रभु ने बताया। तो इस प्रकार से हमें हरि नाम तो लेना ही है, निरंतर लेना है, और अपने आप को ऐसे प्रभावित करना है कि हमें देख करके दूसरे को भी आकर्षण हो भक्ति करने के लिए। तो भक्ति का जो नियम है प्रभु जी रोज बताते हैं, तिलक लगाना है, कंठी लेन धारण करना है, इस प्रकार से। तो इन सबको करते हुए रोज भागवतम क्लास को करना है, सुनना है, और हम भगवान के नित्य दास हैं ऐसा मन में भाव रखते हुए हमें भगवान की भक्ति को करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी और सब भक्त लोग बताएंगे। और सब ज्यादा भक्त आज नहीं है, आप ही को और थोड़ा अगर स्मरण है तो बताइए। तो 30 माता जी तो है ना। माता जी तो रोज बताते हैं, लेकिन आप तो कभी कभी जब ऑफिस में रहते हैं तो यहाँ पे मुख में पट्टी बांध के ऐसे करते रहते ऑफिस में। इसीलिए अभी जब चांस मिला है तो चांस को, सुजोग को छोड़ना नहीं चाहिए। 33 श्लोक में, तो 33 नंबर श्लोक में यह है, थोड़ा सा अनुवाद बताया गया कि कुरुवंशी जो पांडव हैं वो भगवान को प्रेमा भक्ति के कारण भगवान को कुछ दूर तक छोड़ने के लिए जाते हैं,
तो ये क्यों होता है? तो प्रेम की आसक्ति के कारण, भगवान से इतना अधिक प्रेम था कि उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। फिर कुछ दूर जा करके वो भगवान बोलते हैं कि अब आप लोग वापस लौट जाओ। फिर सबको मन में बड़ी दुख होता है, ग्लानी होता है कि कैसे वापस लौट जाएंगे, भगवान तो अभी जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि आप लोग वापस जाओ, तो सभी वापस आते हैं और भगवान अपने प्रिय संगियों के साथ में फिर द्वारिका को चले जाते हैं। इसी प्रकार से 33 नंबर श्लोक था। हरे कृष्ण। आज हमारे नेहा माता जी के घर में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, मारपीट? नहीं प्रभु जी। कि कुछ गड़बड़ हुआ है इसलिए माता जी आना जाना कर रहे हैं? नहीं प्रभु जी। लड्डू ठीक है ना जी? यही तो दुख देता है प्रभु जी इतना। अच्छा, यही इधर उधर कर रहा है उसी वक्त से, इसीलिए थोड़ा दर्शन कराएंगे सभी भक्तों को, उनको लड्डू बहुत प्यारा। अभी अभी रो रहा था मोबाइल देख के बैठा ही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्ण, बोलो। अभी अभी गुस्सा रो रहा था। ठीक है, चलिए। तो आप कुछ बोल पाएंगे, कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी कल जो हम लोग डिस्कशन किए थे उसमें ये भाव था कि जब कृष्णा जो अब आए थे तब इस श्लोक में तो उनका कैसा संबंध था, भगवान का संबंध कैसा था जब वो बाल्यकाल से लेके जब तक रहे अंत समय तक, तब तक उन कैसे सब लोग उनके अपने बाल रूप बाल कला से लेके अंत तक कैसे अपना कला दिखाते रहे, अपना वो करते रहे। जैसे कि जब बालक थे तो यशोदा मैया के साथ कैसे अपना बाल्यकाल बिताए, वो उनको फील नहीं होने दिए कि वो हम भगवान है करके, वो तो भगवान ही थे, उन तो वो तो सब जानते थे बाल्यकाल में भी, और अपने आप को पर यशोदा मैया को कभी ऐसा नहीं लगा कि ये भगवान है करके। ऐसा ही जैसे जैसे बड़े हुए अपने लीला दिखाते रहे, और उनके जो सगी संबंधी थे नातेदार सब थे, वो उनके भी अपने एक क्या बच्चे के तरह रहे, और अपने बड़ों की आदर करना सब वो करना वो दिखाते रहे। बहुत सुंदर। चलिए अभी हम किसको देंगे, हमारे संगदा माता जी आ गए क्या? हमारे संगदा माता जी आ गए क्या? हरे कृष्णा। अब बच्चे की तरह झूलना में क्यों झूल रहे माता जी? अभी आके चीरा चाच से बैठवे किए हैं प्रभु जी। हाँ, चीरा चाच से आके बैठवे किए, बहुत थक जाते हैं हम। अच्छा, तो कुछ विषय में बोल पाएंगे कल? अभी तो सब क्लास में आप अटेंड कर रहे हैं, माता जी की क्लास में भी आ रहे हैं, मेरे क्लास में भी आ रहे हैं, तो कुछ याद है या सिर्फ राधा रानी करना बस? नहीं, अभी कृष्ण की कुछ रानियां छत पे बोल रही थी कि आप कृष्ण आपस में बात कर रही थी कि फिर कृष्ण भगवान ना शायद द्वारिका के लिए प्रस्थान होने वाले थे, और कहीं पर तो जाने के लिए इंद्रप्रस्थ की रानिया, हस्तिनापुर की रानिया, हस्तिनापुर की रानिया, हस्तिनापुर की रानिया द्वारका के लिए निकल पर, द्वारका के लिए या बोकारो के लिए, आपके घर के लिए? नहीं, कृष्ण भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे। अगर आपके घर आते तो कृष्ण भगवान तो उसको वेलकम करते कि नहीं? अब बोले ना आप तुम्हारे घर जाओ, द्वारका चले जाओ, ऐसा क्या करते? आपके घर में रखते कि नहीं?
रखते मेरा है प्रभु जी, राधा कृष्ण का मुरली मनोहर है मेरे पास। अगर कृष्ण आपके घर में डायरेक्ट आते तो आप क्या बोलते कि नहीं नहीं बाबा आपको मुझे ये करने का जरूरत नहीं, मेरे पास कृष्ण का नहीं है मुरली मनोहर है, उसको जब थोड़ा सा चीनी देने से ही हो जाता है, आपको तो पनीर सब्जी रोज खिलाना पड़ेगा, ऐसा करते क्या? मैं भी उसके साथ द्वारका चली जाती। ये तो स्वार्थी ही हुआ, आपको उनकी सेवा करना है, उनके घर में जाके खाना पीना ये अच्छा बात थोड़ी है, आपको उन खिलाना है उनको अपने घर। द्वारका दो बार गए हैं प्रभु जी, हम लोगों को भी ले अगर जाएंगे तो झंडा लगाना पड़ेगा। अच्छा, मंदिर में बहुत सुंदर। तो चलिए हमारे गीता माता जी, कल के क्लास में क्या कुछ डिस्कशन हुआ था माता जी, कुछ स्मरण है तो बोलिए, फिर हम लोग आज का क्लास को स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल हम लोग श्रवण किए थे जिस पर जिस प्रकार जैसे माता पिता अपने बच्चों को कहीं पिकनिक वगैरह जाते हैं तो अपना सामान वगैरह व्यवस्थित करके देते कि रास्ते में उनको कोई कठिनाई ना हो, उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने भी हस्तिनापुर से जब द्वारका के लिए प्रस्थान किए तो उनको चतुरंगनी से सेना ऐसा घोड़ा हाथी ये सब पैदल चलने वाले सबको बड़े भाई होने के नाते ये सब किए। और आपने वे बोले थे सर्प के बारे में, ईर्ष्या के मूर्तिमान स्वरूप है। कैसे युधिष्ठिर महाराज अच्छी तरह से जानते थे कि कृष्ण जो है सबका मित्र है और शुभ चिंतक भी है, लेकिन उनके और भी शत्रु थे जैसे असुर लोग, वो लोग कहीं रास्ते में ईर्ष्यावश को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे इसलिए। और एक आप बोले मुकुंद भगवान का शरण ग्रहण करना है, जैसे तभी हम क्या बोलते हैं इस जन्म मृत्यु का जो चक्कर है हम लोगों का वो उससे पार हो पाएंगे। और बोले थे जो भी है हमको वो कैसे पार होंगे, भगवान का कथा श्रवण करके, कान से सुनते हैं, कान से सुनेंगे तो हम इस जगत का जो मृत्यु और जन्म है माँ के गर्भ में आने का उससे हमको आना नहीं पड़ेगा अगर हम श्रवण ग्रहण करते हैं, मतलब आसक्ति से विरक्त हो पाएंगे हम लोग, ये वर्ड बोले थे। अब ये प्रोसेस को हम लोग को रखना है, कैसे भागवतम को रोज पढ़ना है ना, भगवान की सेवा करना है, भगवान का अर्चना करना है, उनको भोग देना, भोग लगाना, ये सब जो प्रोसेस है वो हम करते आएंगे तो हमको भगवत धाम जाने के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे भरत महाराज हिरण के चक्कर में फिसल गए थे तो आपने यही बोले थे, इसलिए हमको इस जीवन में भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए, पकड़े रहना चाहिए, है ना। यद्यपि युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान भगवान है, फिर भी उन्होंने ये किया। वैसे ही श्री कृष्ण भगवान भी जानते हैं, छोटा बच्चा बन के अभिनय कर रहे हैं अपनी माता के साथ। एक एग्जाम्पल आप बोले थे अपने माता के साथ जा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे तो वो डर के अपने माँ के पल्लू में छिप गए, ये दिखा रहे थे मैं बहुत डर गया हूँ ताकि माता समझे कि मेरे संरक्षण में है भगवान, बल्कि भगवान सबको संरक्षण करने वाले भगवान ही ये सब लीलाएं कर रहे हैं। तो ये सब दिव्य लीलाएं हैं, सब सबको दिव्यता दिव्य लीला प्रकट करने के लिए ये सब भगवान ने किए थे। हरे कृष्णा। आप अगला श्लोक स्टार्ट करते हैं, हम लोग सब बोल दिए, पॉइंट्स पूरे हो गए। अच्छा, सबका पॉइंट पूरा हो गया। चलिए, नाम गान यश जितना कर सकते कृष्ण का करना है, यही है इस श्लोक का तात्पर्य। बहुत सुंदर। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे हमारा आज का क्लास। हमारे अर्जुन मधुसूदन दास प्रभु जी आए थे, फिर उड़ गए, कहाँ चले गए थे, फिर अभी आ गए दुबई से उड़ के। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण रोड प्रणाम गुरु जी प्रभु जी आप कहाँ उड़ गए थे प्रभु जी अब घर में घर में नहीं नहीं आप तो क्लास में ज्वाइन किए थे फिर चले गए थे हाँ बीच में ये नेट डिस्टर्ब किया और बंद हो गया फिर अभी देखते हैं फिर चालू हो गया अच्छा ठीक है ये हाँ। हमारा साढ़े तीन बजे से चालू होता है 6 बजे तक चलता हाँ, है हाँ। अच्छा प्रभु बहुत अच्छी बात है तो अभी जैसे 4 मिनट के बाद जैसे ही खत्म होता है पुनः ज्वाइन करना है ठीक है जैसे ही अच्छा अच्छा 40 मिनट का मीटिंग होता है ना ऑटोमेटिक ये कटअप होता है तो प्राण मोहन प्रभु जी भी बताए हमारे क्लास के विषय में कि कल हम लोग क्या डिस्कशन किए थे 31, 32 और 33 नंबर श्लोक तो आज हमारा है 34, 35 और 36 तीन श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे तब हमारा ये अध्याय कंप्लीट होता है तो यहाँ पर कुरु जंगल पांचालन सूर्य सेनान सजो सजामुना ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्र मत्स्यान सारस्वत नथ मरुधन्यम अतिक्रम सोबिरा भीरयो परान आनर्तान भार्ग भोगा छन संगांतर बमुना अर्थात ये सोनक ऋषि को बोल रहे कौन बोल रहे सोनक ऋषि को गीता माता जी बोलेंगे हे सोनक मतलब कौन किसको बोल रहे बताइए कौन किसको बोल रहे सूत जी महाराज सूत गोस्वामी सोनक ऋषि को बोल रहे हैं नैमिषारण्य के तट पर क्या कि भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से द्वारका की ओर जा रहे तो उसमें बीच रास्ते में क्या क्या मिला उनको कुरु जंगल पांचाल सुरसेन जमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्सा सारस्वता मरुप्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग मतलब रेगिस्तान राजस्थान होते हुए आगे बढ़े इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सोभीर तथा अभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे तो ये जो है ये हमारा 34-35 नंबर श्लोक हम लोग डिस्कस करेंगे तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस विषय में लिखे हैं अर्जुन प्रभु आप मोबाइल को ऐसे कीजिए प्रभु जी ऐसे कीजिए मोबाइल को ऐसे कीजिए मोबाइल ऐसे है आपका ऐसे कीजिए हाँ यस बड़ा बड़ा दिख रहा है तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए जो निकले तो अभी द्वारका पहुंच गए कहाँ कहाँ से होकर पहुंचे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही विस्तार से वर्णन किए है कि भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए वे उस समय भिन्न नाम से जाने जाते थे लेकिन जो दिशा दी गई है उससे यह सूचित होता है कि दिल्ली पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने निवास स्थान द्वारका पहुंचे इससे हम लोगों को एक चीज समझना है कि हमारे वैदिक साहित्य में इतिहास में कुछ कुछ चीज दिया गया है लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग उसको दूसरे नाम से जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज झूठा है हाँ जैसे कुंती महारानी गांधारी कहाँ से आए थे धृतराष्ट्र का पत्नी बन के कहाँ से आए थे गांधारी कौन बता पाएंगे गांधार देश और गांधार देश को वर्तमान में किस नाम से जाने जाते जानते हैं कौन बता पाएंगे गांधार देश कौन बता पाएंगे नहीं गांधार अभी अफगानिस्तान में चला गया ना यस अफगानिस्तान गांधार जो है वर्तमान में उसको अफगानिस्तान बोला जाता है ठीक है तो इस प्रकार वैदिक साहित्य में जितना कुछ घटना घटे थे वो सब कोई कल्पना नहीं कोई स्टोरी नहीं वो सब रियल इफेक्ट बल्कि वर्तमान में जो भाषा है उसको हम लोग को समझना है तब चीज को समझ पाएंगे कि सच में ये सब घटना रियल है या सत्य घटना है चाणक्य पंडित पढ़ाते थे तक्षशिला में तक्षशिला कहाँ पर है किसको पता है प्राण मोहन प्रभु जी तक्षशिला पटना में ही है सर पटना में है चाणक्य पंडित पढ़ाते थे तक्षशिला शायद फॉरेन में
शायद वो भी अफगानिस्तान में ऐसा कुछ है, मुझे दूसरे कोई कंट्री का नाम बताए थे, मुझे भी याद अफगानिस्तान भी है प्रभु जी। हाँ तक्षशिला अभी भी है भारत के अंदर। हाँ तो चंद्रगुप्त पढ़ाते थे, तो